हेलो साथियों, स्टूडेंट हेल्प पे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49568 भर्ती के रिगार्डिंग अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो इसमें फ्रेंड D6 से D12 तक वालों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, मतलब कि DBPST के लिए D6 से D12 तक वालों का एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड, आपकी बार एडमिट कार्ड में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। ये दो बड़े बदलाव क्या है, इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करा, नहीं आप ये दो बड़े बदलाव नहीं जान पाएंगे। तो D6 से D12 तक जिनका जिनका है, किस तारीख को पढ़ रहा है, सभी लोग वीडियो को पूरी देखना है। तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पल पल की अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड, ऑफिशियल साइट पर चलता हूँ कि ऑफिशियल साइट पर नोटिस में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड, ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें बताया गया आरक्षी नागरिक PSC पदों की सीधी भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु लिंक है। तो ये लिंक के अभी बाद में आप ओपन करना, क्योंकि सबसे पहले नोटिस पढ़ के बता दो नोटिस में क्या क्या बताया गया है। तो नोटिस फ्रेंड मैंने डाउनलोड कर लिया, नोटिस आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो साथियों, ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार पदोन्नति बोर्ड विधान भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश तुलसी मार्केट। तो यहाँ पे लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस आरक्षी PSC की पदों सीधी भर्ती अक्टूबर 2000 के प्रक्रिया अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन। तो ये 30 नवंबर की ऑफिशियल साइट है DBPST के लिए। तो ये नोटिस तो फ्रेंड पूरी तो मैं पढ़ के नहीं बताऊँ, क्योंकि पूरी पढ़ूंगा तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं, थोड़ा सा जूम कर दूं, क्योंकि जो मेन मेन टॉपिक है उसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें बताया गया कि सूचित उक्त सूची विज्ञान क्रम में द्वितीय चरण के लिए D7 से D12 तक, सॉरी फ्रेंड यहां पे मैंने D6 से लिख दिया था, D6 ठीक है फ्रेंड। तो D7 से D12 के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रबंधन बोर्ड के वेबसाइट पर दिनांक 3/12, तो 3 तारीख को आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, जो D7 D12 तक की तिथि का विवरण निम्नवत है। तो 3 तारीख को फ्रेंड आपको बताया गया कि 3 तारीख को 3 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। कितने दिसंबर को, 3 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ऑफिशियल साइट से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें डेट द्वारा दर्शाया गया कि क्या क्या डेट, किस किस डेट को आपको किस, मतलब D6 में 4/12/2019 वालों का होगा, D7 में 5/12/2019 वाले होंगे, D8 में 6/12/2019 वालों का होगा, D9 में 7/12/2019 वालों का होगा, D10 में 8/12/2019 वालों का होगा, D11 D12 में 9/10/12/2019 वालों का होगा। तो फ्रेंड ये ऑफिशियल मतलब कि शेड्यूल जारी कर दिया गया कि आपका DBPST किस किस तारीख को होगा, मतलब कि DBPST आपका किस किस तारीख को होगा, किस किस DB में आपका है। तो ये नोटिस आपको पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में नोटिस दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोटिस पूरी पढ़ लेना है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड ना भूलना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पल पल यहाँ पे ऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियल नोटिस कोई भी होती है आपको प्रोवाइड करा जाता है। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।